दोस्तों, मैं हूं दिनेश की हो रहा न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। मैंने कहा था कि भारत तैयार रहे लॉकडाउन 5.0 के लिए। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। मेरा अनुमान था 14 से 15 दिन का, 30 जून तक का। लेकिन मैंने ये कहा था कि एक लॉकडाउन ऐसा होगा कि यहाँ पे हालात ऐसे होंगे कि ये नाम का लॉकडाउन रह जाएगा, बाकी सब कुछ मिलेगा आपको। इंटरस्टेट मूवमेंट मैंने कहा था आ गया, इसके साथ मार्केट्स ओपन होंगी वो भी आ गई। मैंने कहा था कि एयरलाइंस और रेलवे स्टार्ट होंगी वो भी स्टार्ट हो गई। इसके साथ मैंने कहा था मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि फिल्म शूटिंग स्टार्ट होंगी इस महीने के अंत तक, वह भी हो जाएंगी। साथ में रेस्टोरेंट और मॉल्स यानी कि एक मेन मार्केट के हिस्से हैं वो भी खुलने जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़ के छोटा सा हिस्सा, बाकी सब खुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितनी भी प्रेडिक्शन की थी मार्केट की ओपन होने की, वो 101% सही निकली है। और मैंने कहा था कि ये वीनस का महीना है, शुक्र का महीना है, शुक्र के महीने में फिल्म हो, मीडिया हो, मॉल्स हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, ट्रैवल हो, हर चीज ओपन हो जाएगी। इंटरस्टेट के मूवमेंट ओपन हो गए, लोग अपनी कार से, बस से या ट्रेन से कहीं भी इंडिया में अब जा पाएंगे। अब इंडिया खुल गया, इसे कह सकते हैं एक खुला हुआ इंडिया, ओपन इंडिया। नाउ यू कैन ट्रैवल बिना किसी ई परमिट के, बिना किसी ई पास के, अब आप इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। अब बचा क्या? बचे स्कूल और कॉलेज और सिनेमा हॉल। मैं आपको बताऊं कि अगर इस महीने के एंड तक अगर सिनेमा हॉल पर भी फैसला हो सकता है, जहां पे एक बीच की सीट को खाली रखने के बाद सिनेमा हॉल को स्टार्ट करने की परमिशन दी जा सकती है, ये मैं सच कह रहा हूं आपसे कि अगर हो सकता लागू नहीं भी हुआ जून एंड में, तो ये प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा कि उसका गाइडलाइंस क्या होगा और सिनेमा हॉल कैसे खुलेंगे। और इसी महीने के एंड में ये भी निर्णय होगा, दो निर्णय और इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, एक है इंटरनेशनल फ्लाइट्स का और एक है स्कूल कॉलेजेस का। मुझे उम्मीद है कि लास्ट वीक तक आते आते कुछ इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगी पार्टली, और बाकी इंस्टीट्यूशंस जुलाई के अंदर एजुकेशन की ओपन होने को चली जाएंगी। मेरा यह भी मानना है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का क्यूरिकुलम तय हो जाएगा, हो सकता है जून के एंड वीक से स्टार्ट हो या जुलाई के महीने से स्टार्ट हो, लेकिन जून के एंड वीक के अंदर यानी कि जो वीनस का एक पीक पॉइंट होगा, वहां पे इंटरनेशनल ट्रैवल की सारी जो रूपरेखा है, आउटलाइंस है, वो तय हो जाएंगे। ये मेरी न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं जो अभी तक सारी सही उतरी हैं, और ये आप यकीन मानिए यही होगा। और चूंकि वीनस यानी कि शुक्र का महीना है, तो सब चीजें ओपन करके लेके आएगा। आप बाजार भी जाएंगे, आप बुक करा के रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे, आप मॉल्स भी जाएंगे, और हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि मंथ एंड तक आते आते कुछ थिएटर खुल जाए, हो सकता है बड़ी स्क्रीन पर जाके आप सिनेमा भी देख पाए। ये चीजें इसी महीने आ रही हैं, इसलिए मैंने कहा था मई और जून मरकरी का और वीनस बुध और शुक्र के महीने अथाह चेंजेस लेके आएंगे। एक बात और, अब पार्ट टू कोरोना, कोरोना का क्या होगा। मैंने ये भी कहा था कोरोना के नंबर ऊपर नीचे होते रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं, और मैंने यहां तक कहा था कि हो सकता दिन में 8,000 केस आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 1,000। घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना आपको डैमेज नहीं करेगा, आपको कोरोना के साथ रहना है। आप अपनी सेफ्टी रखिए, अपने हाथों को वॉश करते रहिए, अपने चेहरे को वॉश करते रहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको पालन कीजिए, ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पालन कीजिए, और फिर जो मर्जी कीजिए आप। देखिए, जो पहले भी जो जितने भी वायरस आए थे, सार्स था, मर्स था, H1N1 था, स्वाइन फ्लू था, सब हैं, स्पेनिश फ्लू भी है, कोई गया नहीं है, लेकिन हमने उनके साथ रहना सीख लिया, उनकी थोड़ी बहुत वैक्सीन भी आ गई, इसकी भी आ जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इंडिया में जो डेथ रेट है बहुत कम है, अगर एक कॉमन तौर पे देखा जाए, अगर आपको कोई हल्का बुखार वुखार कुछ हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो आपकी गोलियां रहती हैं, जो आप बुखार वगैरह के लिए लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, है सारी की सारी गोलियां अलग अलग ब्रांड से आती हैं, लेकिन ओरिजिनली वो पैरासिटामोल होती हैं, सारी की सारी वही काम कर जाती हैं। और इंडिया के लोगों की वैसे भी जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा मजबूत है, इतना वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पोल्यूटेड है, तो पोल्यूशन हमारे अंदर क्या होता है ना, वो चीज़ें अच्छी पैदा कर देता है। तो सब कुछ खुल जाएगा इसी महीने, और कल से आप बहुत सारी आज़ादी आपको मिलेगी,
तो जो मेरी न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं ऑन द डॉट जा रही हैं अभी तक, और उसमें आपका भी सहयोग मिला हुआ है। और इस जून के महीने में तो बहुत कुछ आपको ओपन देखने को मिलेगा, आपको लगेगा हाँ अब चीज़ें अच्छी लग रही है। कब से मार्केट, सड़कें, रश है, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, लोग खा पी रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, स्टॉल्स पे जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, ई कॉमर्स भी ओपन है, और क्या चाहिए, यही तो कहा था मैंने। शुक्रिया आपका।